शासकों की राजपूतों के बारे में क्या राय थी, ये सुनिए। अकबर कहता था कि राजपूतों को दोस्ती करके धोखे से तो हराया जा सकता है, लेकिन उनके साथ लड़कर नहीं। सिकंदर क्या कहता था? वो कहता था, जंग के मैदान में उतर जाने के बाद राजपूतों को रोकना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। मोहम्मद गोरी कहता था, अगर राजपूत से कुछ चीज चाहिए तो मांग लो, धोखे से छीन लेने से राजपूत दुश्मन का नामो निशान मिटा देते हैं। अंग्रेजों का क्या कहना था? अंग्रेज कहते थे, अगर राजपूतों से जीतना है तो उन्हें आपस में लड़वा दो, और ये हुआ भी है। राजपूत अगर इकट्ठे होकर लड़ते तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो राजपूतों को रोक सके। और ये राजपूत शब्द मैं हर उस भारतवासी, हर उस कुल जाति के लिए प्रयोग कर रहा हूँ जिसने हमेशा राजपूतों का साथ दिया है और राजपूतों के साथ मिलकर दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं सत सत नमन करता हूँ उन योद्धाओं को, चाहे वो राजपूत हो या किसी भी जाति या कुल का हो, जिसने देश धर्म और प्रजा के लिए हमेशा बलिदान दिया है, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है। तो भाइयों, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय माँ भवानी, जय राजपूताना।